दक्षिण मध्य एशिया में बसा भूटान भारत का पड़ोसी देश है और एक बहुत खास दोस्त भी। भूटान सदियों से दुनिया के लिए बंद था और इसे 1970 के दशक में ही दूसरे देश के लोगों के लिए खोला गया। आज भी बाहर से आने वाले लोगों की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। भूटान दुनिया के बाकी देशों से इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पे GDP से ज्यादा इम्पोर्टेंस GNH मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को दी जाती है। मैं रिसेंटली भूटान अपने दोस्तों के साथ गया और ये वीडियो मेरी भूटान की सीरीज का पहला हिस्सा है। इस वीडियो में हम भूटान की कैपिटल थिम्पू को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें जरूर सीखेंगे। शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से। ऑल राइट, तो सुबह के कुछ 6:30 बज चुके हैं, अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी में, सामान पैक हो गया ऑलमोस्ट और हम जा रहे हैं अभी सिलीगुड़ी एयरपोर्ट की तरफ। कांट वेट टू गेट टू भूटान, पड़ोसी देश है पर वहां कभी जाने का मौका नहीं मिला अभी तक। आज की इकलौती फ्लाइट जो सिलीगुड़ी एयरपोर्ट से निकलेगी वो भूटान जाएगी। तो अभी सब कुछ प्रोसेस खत्म हो चुकी है। एक्चुअली बड़े सारे सवाल पूछे मुझे आज, 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद ही डिसाइडेड कि मैं आगे जा सकता हूँ भूटान की तरफ। कोशिश होगी कि ये कॉफी का कप मिल जाए ताकि भूख को सप्रेस कर दिया जाए टिल वी रीच थिम्पू। लाइफ इज हार्ड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद माय डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल बॉडी कॉल। हमारी ये फ़्लाइट एक्चुअली शुरुआत होती है इसकी बैंकॉक से, तो ऑलरेडी फ्लाइट में बहुत सारे लोग हैं जब हम अंदर घुसे, बट आई मैनेज टू फाइंड अ विंडो सीट व्हिच इज़ नाइस। 40 मिनट की फ्लाइट है तो खाने वाने को कुछ मिलने वाला है नहीं एंड आई एम रियली हंग्री। आई हैव सम पीनट्स बट दिस इज़ ऑल आई कुड मैनेज। डॉक्टर हेनरी, एंड यू आर लीडिंग द टूर? Yeah. So how many of you are traveling? Yeah, it's very good, fantastic. So हमारी फ्लाइट काफ़ी छोटी थी और 40 मिनट हुए भी नहीं है ऑफ कोर्स, और हमारा डिसेंट शुरू हो गया। सो समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, जो भूटान के किंग है वो इंडिया में एक्चुअली ऑफिशियल स्टेट विजिट पे थे और वो हमारी फ्लाइट में थे इतनी देर तक, मुझे तो पता भी नहीं था। सो ही इज़ गेटिंग डाउन नाउ, तो काफ़ी बाहर लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। ऑल्सो आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड कि महाराजा जो है भूटान के वो हमारे साथ हमारी फ्लाइट में जा रहे हैं, जो सिंपल सी फ्लाइट है, नो महाराजा लाइक टेंट्रम्स, वेरी नाइस। ऑल राइट, सो एक क्विक टिप फॉर मनी एक्सचेंज है, करेंसी एक्सचेंज 1:1 है, तो जो इंडियन रुपी है सेम एग्जैक्टली वहाँ पे जो यहाँ की करेंसी है उसका भी है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे इंडियन करेंसी चलती है, विल सी दैट। एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात हुई हमारे भूटान गाइड सोनम से और कुछ ही मिनटों में वो हमारे गाइड से हमारा को ट्रैवलर बन गया। पारो एयरपोर्ट पहुँचते ही हम निकल गए थिम्पू की तरफ। 1960 के दशक में थिम्पू भूटान की राजधानी बना और करीब 1.25 लाख पॉपुलेशन के साथ ये भूटान का सबसे बड़ा शहर है। इनफैक्ट भूटान की पॉपुलेशन ही करीब 7.5 लाख है, जो मुंबई की पॉपुलेशन की केवल 1/3 है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अभी हम थिम्पू पहुंच गए और अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। प्लान है कि हम एक ट्रेडिशनल से रेस्टोरेंट में जाएंगे और कुछ लोकल खाना खाएंगे। सुबह से कुछ भी नहीं खाया तो मैं तैयार हूँ बहुत सारा खाना खाने के लिए। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माय फर्स्ट भूटनीज मील। सिटी का फर्स्ट इंप्रेशन, एक्चुअली थिम्पू जितना मुझे लग रहा था उससे ज़्यादा बड़ा शहर है, मतलब काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। हमारे जो गाइड है सोनम वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो ट्रैफिक जैम भी है, पर ऑफ कोर्स कुछ ऐसा नहीं है, खाली खाली सा ही शहर है और बहुत सुंदर है, बहुत कंसिस्टेंट सा डिज़ाइन है। आप सारी बिल्डिंग्स को देखोगे वो एक जैसी लगती हैं, विच मेक्स इट रियली ब्यूटीफुल। सायदा Oh my goodness, she speaks only Spanish, so मुझे भी समझ में नहीं आएगा। What are you saying? First impressions on Thimphu. Unbelievable. Magical. Yeah, surreal. Imadasi. Imadasi? Yeah. What is it? Spicy. Rice? I think dried would be better. Okay. Beef. Okay, okay, beef. All right, so हमने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया है। आई एम ईटिंग समथिंग कॉल्ड मशरूम दात्सी विद ऑमलेट। वो ट्रेडिशनली राइस के साथ खाते हैं, पर ऑफ कोर्स सिंस माय लाइफ हैज नो राइस। लोकल वी कॉल, तो ये बटर टी है। मैंने लद्दाख में और कश्मीर में एक दो बार ट्राई किया और मुझे कभी इतनी पसंद नहीं आई। ठीक है, डेफिनेटली बटरी।
चलिए मैं आपको थोड़ा भूटान के इतिहास के बारे में बताता हूँ। भूटान दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसमें कभी भी कोई बाहर की ताकत राज ना कर पाई। भूटान हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है। 7वीं शताब्दी में भूटान में तिब्बतीन राजाओं के द्वारा बुद्धिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ। 8वीं शताब्दी में यहाँ गुरु रिम्पोचे आए, जिन्हें पद्मसंभावा के नाम से भी जाना जाता है, और उनके साथ आया तंत्रा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से पहले भूटान में बौन धर्म होता था और आज भी कई बौन ट्रेडिशंस भूटान के बुद्धिज्म का हिस्सा हैं। 20वीं शताब्दी में भूटान में राजतंत्र की शुरुआत हुई और भूटान आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ पार्लियामेंट है और जहाँ एक बहुत लोकप्रिय महाराजा भी है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और अगर आपको याद हो तो वो हमारे साथ फ्लाइट में भी आए थे। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक मंदिर में जा रहे हैं, जो हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन भी है। ये मंदिर इस वैली का सबसे पुराना, सबसे प्रख्यात मंदिर है। इसका नाम है चांगंगखा टेम्पल। ऑफकोर्स बुद्धिस्ट टेम्पल है, पहाड़ के ऊपर है, छोटी सी हाइक है, टिकट लेके ऊपर जाने का टाइम। ये मंदिर 13वीं से 14वीं शताब्दी में बना और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ के जो मेन डाइटी है वो थिम्पू के JDW नेशनल रेफरल हॉस्पिटल में पैदा हुए सभी बच्चों के प्रोटेक्टर माने जाते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स आर गाइड सोनम। सोनम काफी यंग है और बुद्धिज्म के बारे में बहुत जानकार है। उसने हमें ये सिंपल सी बुद्धिज्म की डेफिनेशन दी जो मुझे लगता है आपको भी अच्छी लगेगी। ध्यान से सुनिए। So like everyone of us is like made up of three animals basically. It's basically our nature, human nature. So we consist of snake, pig and a rooster. Snake represents our anger. Rooster, the colorful bird, represents our desire and lust. And the lazy pig represents our ignorance. And basically these three animals, we call it the three poisons, which binds us to the samsara or the suffering world. So when we talk about Buddhism, it's all about controlling the three poisons and you want to get out of the circle of life and rebirth, you know, that's it. मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं थका हूँ इस जर्नी में, बाकी सब लोग एकदम फ्रेश हैं। आई नीड कॉफी, आई रियली नीड अ कॉफी ब्रेक। सो नॉट सो फ्रेंडली। सो थिम्पू काफी खूबसूरत सा टाउन है और अभी हम थिम्पू टाउन के टाउन एरिया में, विच इज बेसिकली अ कूल हैंगआउट एरिया। यहाँ पे दोस्त लोग मिलने मिलने आते हैं, अच्छे कैफेज हैं, शॉप्स हैं। तो अभी हम एक कैफ़े में आए हैं जिसका नाम है एम्बियंट कैफ़े। बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है, टाउन में, वेरी नाइस प्लेस। दिन भर घूमने के बाद, सैर सपाटा करने के बाद, ग्रेट प्लेस टू कम एंड हैव अ नाइस कप ऑफ कॉफी। आई एम गोइंग विद द कोल्ड ब्रू स्ट्रॉन्ग विद मिल्क। या कांट वेट टू हैव कॉफी। तो अभी हम आ गए थिम्पू की क्राफ्ट बाजार में एंड द प्लान इज़ टू शॉप एंड बाय अ फ्यू थिंग्स, जो लोकल ट्रेडिशनल हैंडमेड चीज़ें हैं। मेरा प्लान है एक, यहाँ पे एक मग होता है, मैंने सुना वाइन ग्लास, जो वुड का होता है, मेरा प्लान है कि मैं वो खरीदूँगा अगर मिल जाता है सही छोटे से साइज़ में, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट होगा टू कीप एट होम। वाइन तो मैं आजकल पीता कम हूँ, बट वाइन कलेक्टर बन गया हूँ, वाइन ग्लास कलेक्टर। सो एडम, व्हाट आर वी बाइंग? We are getting a traditional Bhutanese wine cup made out of wood. And so the way that it works is there is a little stopper for the two holes. This one you use to fill it. And then when you're drinking out of this, this is sort of allows the airflow so that you can drink the local rice wine. We're going to pick up two of them, bring them home. Two. One goes to US and the other one goes to India. डिनर के लिए हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हैं। इस जगह का नाम बाबेसा है। ये एक्चुअली पुराने ज़माने में जैसे गांव में घर होते थे या शहर में बड़े बड़े घर होते थे, उस घर को कन्वर्ट करके एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया है।
काफ़ी अच्छा ऑथेंटिक यहाँ भुटनीज खाना मिलने वाला है. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. इट्स 7 o'clock. ऑर्डर देके हमें आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा एंड देन विल गेट आर डिलीशियस फूड. लंच में भी बहुत मज़ा आया था खाने में. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डिनर ऑल्सो. देखते हैं अभी क्या मिलेगा. ऑल राइट, तो अभी हम ट्रेडिशनल घर की छत पे जा रहे हैं और काफ़ी स्टीप स्टेप्स हैं, लकड़ी के स्टेप्स हैं. ऐसे ही पुराने ज़माने होता था, लोग बहुत मेहनत करते थे उसके बाद उनको खाना मिलता था. सो हमारा भी ये हाल है, मेहनत करके विल गेट टू ईट फूड. एंड व्हाट डू यू थिंक एडम? I've never been to a restaurant like this in my entire life. This is so cool. Hard work and then food. Worth it. Every minute. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आरा जो यहाँ का लोकल अल्कोहल है, इतना पॉपुलर, इतना ट्रेडिशनल, उसको पीते कहते हैं. उसका एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. तो सबसे पहले आप ग्लास को फिल करते हैं एंड देन यू डू अ बिट ऑफ चैंटिंग. यू यूज़ योर रिंग फिंगर, ओमा होम, ओमा होम, ओमा होम, 3 बार. दिस ब्रिंग्स यू गुड लक एंड देन यू टेक अ सिप. इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यू डोंट फिनिश द होल ग्लास. एक बार में आप पूरा का पूरा ग्लास नहीं ख़त्म कर देते हो. आप वेट करते हो, होस्ट दोबारा आपके पास आएगा, वो आपको दोबारा पोर करेगा थोड़ा सा. इट ब्रिंग्स गुड लक. दोबारा जो थोड़ा सा पोर करते हैं उससे थोड़ा अच्छा और लक मिलता है. और ये बहुत रूड होता है अगर आप मना करते हैं तो. इतनी अच्छी अल्कोहल के लिए वैसे भी कौन मना करेगा. सो बेसिकली योर ग्लास गेट फिल्ड अगेन एंड देन यू ड्रिंक इट. तो चलिए अभी ट्राई करके देख लेते हैं इसका टेस्ट कैसा है. वाओ, इट्स प्रीटी स्ट्रांग. काफ़ी डिस्टिल्ड टाइप का टेस्ट है. इसका टेस्ट थोड़ा साके जैसा है अगर आपने वो जैपनीज ड्रिंक पिया है. पोटेंट लग रहा है मुझे तो. अगर एक ग्लास सीम्स लाइक अलॉट, नहीं भी 2-3 ग्लास अगर आप पी लें तो आप अच्छे से ड्रंक और हाई हो जाएंगे. तो ये बेसिकली हार्ड ड्रिंक है जिसको आप नीट पी रहे हैं. चीयर्स. अच्छा, एक और चीज़ है, इसको ट्रेडिशनली खाते हैं मूँगफली के साथ, थोड़ा सैलड जैसा बना के. जैसे हम इंडिया में चखना खाते हैं बिल्कुल वैसे ही भूटान में भी लोग खाते हैं. तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपको साथ में ना मिले वो चखना वखना, आस्क फॉर इट. इट्स रियली डिलीशियस. वो फ्राइड मूँगफली होती है और साथ में थोड़ा कटा हुआ टमाटर और खीरा होता है. सो आई एम गोना गो गेट माई चखना एंड ड्रिंक दिस विद माई फ्रेंड्स. दैट्स द प्लान. रात को थके थकाए हम अपने होटल में आए, चेक इन किया और जल्द ही सो गए. तो अभी हम थिम्पू के एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन पे आ गए. दिस इज एक्चुअली नोन एज बुद्धा पॉइंट लोकली, पर इसका असली नाम है बुद्धा दोर्देर्मा. ये थिम्पू सिटी के जस्ट आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड है और एक्चुअली रिलेटिवली रीसेंट स्ट्रक्चर है. इसका कंस्ट्रक्शन 2008 में शुरू किया गया था और अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है. सो इट्स स्टिल वर्क अंडर प्रोग्रेस. ये 51 फीट बुद्धा स्टैचू है, पर ये सिर्फ स्टैचू नहीं है, एक्चुअली बुद्धा टेम्पल भी है. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स है अंदर जहाँ पे आप मंदिर की तरह जाके पूजा कर सकते हैं. अभी केवल एक ही फ्लोर फंक्शनल है उसमें, क्योंकि बाकी सारे फ्लोर्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. प्लान है कि जब ये मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा तब यहाँ पे 120,000 बुद्धा स्टैचूज, मिनिएचर बुद्धा स्टैचूज मंदिर के अंदर होंगे. तो काफ़ी आइकॉनिक जगह बन जाएगी तब ये. इस जगह के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये प्रोफेसी में लिखा हुआ था कि ऐसा एक बहुत बड़ा बुद्धा का स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा. जो दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस जगह के बारे में वो ये है कि ये सिर्फ भूटनीज गवर्नमेंट ने या यहाँ के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके नहीं बनाया है. ये स्टैचू ऐसी एक ऐसा एक लैंडमार्क स्ट्रक्चर है जिसे बुद्धिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब अलग अलग जो भी बुद्धिस्ट देश हैं वहाँ से लोगों ने डोनेट किए हैं पैसे. तो इट्स लाइक इन अ वे यूनिफाइड स्ट्रक्चर, बिलोंग्स टू एवरीवन. और इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, दुनिया में पीस और हारमोनी को स्प्रेड करना. तो बड़ी प्यार वाली जगह है. एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है और यहाँ बुद्धिज्म लाइफ के हर पार्ट का हिस्सा है. भूटान सीरीज के अगले वीडियो में हम यहाँ की सबसे आइकॉनिक बुद्धिस्ट टेंपल जाएंगे, टाइगर्स नेस्ट. उसके साथ साथ मैं एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्सप्लोर करूंगा, भूटान दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक क्यों है. आज के लिए केवल इतना ही.
अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।